में रामलला के दर्शन के लिए देश में चलेगी आस्था स्पेशल ट्रेन, अलग अलग राज्यों से चलेंगी ट्रेनें। राजस्थान से अयोध्या के लिए 4 ट्रेनें चलाने का प्लान, उत्तर पश्चिम रेलवे ने प्रस्ताव भेजा। आईआरसीटीसी भी चलाएगा अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन, बुक की जा सकेंगी पूरी ट्रेन। 22 जनवरी और उसके आसपास शुरू होगा अयोध्या स्पेशल ट्रेनों का संचालन। इंडिगो एयरलाइन ने अयोध्या के लिए शुरू की विमान सेवा, 1.25 घंटे में पूरा होगा दिल्ली और अयोध्या के बीच सफर। 10 जनवरी से रोजाना अयोध्या और दिल्ली के बीच इंडिगो की नियमित उड़ानें, फिलहाल रोजाना एक विमान भरेगा उड़ान। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठक कल, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जानकारी दी। पीएम मोदी कल से 3 दिन के गुजरात के दौरे पर जाएंगे, कल देर रात अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, दोपहर 3:30 बजे ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री, शाम 7 बजे दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। 10 जनवरी सुबह 10 बजे महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 4 राष्ट्राध्यक्षों के साथ 32 सहभागी देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को कर सकते हैं झारखंड में धनबाद का दौरा, प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर प्रदेश बीजेपी नेताओं की बैठक। 13 जनवरी को बिहार के मोतिहारी भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री, IOC प्रोजेक्ट का कर सकते हैं उद्घाटन। 13 जनवरी को पश्चिमी चंपारण जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, बेतिया के बड़ा रमना मैदान में जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ईडी पर हमले के दोषियों को फौरन पकड़ने का आदेश दिया, संदेश खाली में भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला किया था। ईडी पर हमले के बाद से फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस, ऑडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया। असम के गोलाघाट में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कार्यक्रम में शामिल हुए। चेन्नई में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। अमरावती के मंगलगिरी मंदिर में पहुंचे टीडीपी महासचिव, विधि विधान से के साथ पूजा अर्चना की। देशी विदेशी पर्यटकों को जैसलमेर लेकर पहुंची डेक्कन ओडिसी ट्रेन, पैलेस ऑन व्हील्स की तरह इन ट्रेनों में भी शाही सुविधाएं। अमृतसर में शहीदगंज साहिब गुरुद्वारा में संगत के लिए उमड़े सिख श्रद्धालु, गुरुवाणी का पाठ करने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाए गए। जमुई में मेडल लाओ जॉब पाओ के तहत 71 खिलाड़ियों को नौकरी मिली, डिप्टी सीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र। उत्तरकाशी में दीदी भूली भव्य महोत्सव में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, महोत्सव प्रबंधन सभी तैयारियां पूरी करने में जुटा। जमशेदपुर में कुड़मी समुदाय ने किया डहरे टुसू का आयोजन, डीजे की धुन पर थिरके कुड़मी समुदाय के लोग। जैसलमेर रेलवे स्टेशन में हो रहा नई बिल्डिंग का निर्माण, 140 करोड़ के खर्च से बन रहा नया प्रोजेक्ट। कोहरे के आगोश में जैसलमेर आया, ठंड में भी सैलानी नौका विहार में ले रहे आनंद। मुंबई में मरीन ड्राइव पर चलाया गया सफाई अभियान, सीएम शिंदे ने की भी हिस्सा लिया, सफाई को लेकर लोगों को जागरूक किया। मुंबई में मैराथन का आयोजन, पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने मैच डॉक मुंबई में करीब 10,000 रन मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात के वडोदरा में वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन 2024 का आयोजन, गृहमंत्री हर्ष संघवी ने हरी झंडी दिखाई। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में उड़ाई पतंग, देश विदेश के पतंगबाज हिस्सा ले रहे। प्रयागराज में आने लगे साइबेरियन पक्षी, संगम और आसपास के इलाकों में डेरा डाला।